बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस खांसी है, वो उसे स्टिल रहेगी जब तक, पता नहीं कब तक, जब तक ये बीमारी है जब तक, तो बस गुजारा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, अपने अपने घरों में, अपने अपनी फैमिली के साथ। मैं भी ठीक हूँ, फैमिली भी ठीक है माशाल्लाह से, सब ठीक है घर में, बच्चे। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं पकौड़े बनाते हैं, मूंग की दाल के पकौड़े हैं, बेसन के नहीं हैं। तो मूंग की दाल भिगो दी थी 2 घंटे पहले, फिर उसको पीस लिया, उसके बाद फिर इसमें लहसुन अदरक थोड़ा सा गरम मसाला नमक कुटी लाल मिर्च ये डाल दिया, और ज़ीरा पिसा हुआ डाल दिया, और इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें और प्याज चॉप करके डाल दिया। मैं तो वैसे ही काट कर डाल देती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड ने चॉप कर लिया और वो डाल दी कि नहीं बारीक प्याज अच्छी लगी नहीं। अच्छा, इसको पीसते वक्त मैंने इसमें प्याज भी डाली थी थोड़ी सी, ताकि ये नरम रहते। तो बस, और नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये बन गए बहुत अच्छे, नरम नरम सॉफ्ट और क्रिस्पी भी। तो अंदर छोटे छोटे बनाए, कच्चे भी नहीं रहते अंदर से और अच्छे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ही बनाए, जाहिर है मैं कहाँ जा सकती हूँ, ना खा सकती हूँ ना जा सकती हूँ, इतनी मुश्किल है बस। मतलब चूल्हे के पास नहीं जा सकती, खांसी होती है इसलिए। तो मैंने कहा आपको रेसिपी बता देती हूँ। रेसिपी तो पकौड़े तो सभी बना रहे हैं, पर हमने मूँग की दाल के बनाए हैं, बनाते थे पहले, तो हमने कहा चले मूँग की दाल के बना लेते हैं। तो मैंने कहा आपको बता दूँ, आपसे शेयर कर लूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, गौर से मेरी वीडियो देख लीजिएगा और रेसिपी देख लीजिएगा, मतलब मैंने किस तरह बनाए हैं। बना के तो नहीं दिखाए, मगर क्या क्या इसमें ऐड किया है मैंने, वो देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। क्योंकि पकौड़े हर घर में बन रहे हैं और रमज़ान है तो सभी के घरों में बन रहे हैं। अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फरमाए। रमज़ान का महीना बड़ी बरकतों का है, सबके रिजक में बरकत दे, सबके दस्तरखान हरे भरे रहें, और जो बीमार हैं उनको शिफा हो जाए, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो जाए, और आने वाली ईद सबके लिए अच्छी ईद हो, यही दुआ कर सकती हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, जो बे औलाद है उनको भी अल्लाह ताला इस साल औलाद की दौलत से नवाज दे, जो बीमार हैं उनको सेहत हो जाए, शिफा हो जाए, साथ में मुझे भी, और जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो। एक डेली की सेमिना है, उन्होंने कहा था आंटी मेरे लिए दुआ करना, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो बेटा मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं सबके लिए करती हूँ, नाज़िया की बच्चियों के लिए, अरिशा की बच्ची और अरिशा के लिए, और जो भी मुझे कहते हैं मैं उन सब के लिए दुआएँ करती हूँ, सबको याद रखती हूँ। फर्दन फर्दन सबका नाम ले तो नहीं ले सकती, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा, जब कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगी, क्योंकि मैं आजकल वीडियो भी छोटी छोटी बना रही हूँ। तो बस एक बात याद रखिएगा कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, मगर वीडियो मेरी तरह ये 3-4 मिनट वाली देखा करें, बिल्कुल छोटी छोटी 45 सेकंड की 30 सेकंड की वो वीडियो ना देखा करें। अगर वो देख रहे हैं तो 2-3 देखें, तो और वो भी शायद पूरी नहीं देखते, ऐसे ही करके चले जाते हैं। तो प्लीज़ ये मेहरबानी करें मेरे ऊपर। तो मैं कितनी मेहनत से पता नहीं किस तरह ये वीडियो बना पाती हूँ, तो आप ख्याल करें। कुछ दुआओं में याद रखना भी इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखना बहुत, और मुझे भी दुआओं में याद रखना, और मैं भी आप लोगों के लिए सबके लिए दुआएं करती रहूँगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबके लिए रोज़े मुबारक साबित हों, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।